आज का लाइफ इज लाइक 19th सेंचुरी का बैटलफील्ड, जहां पर लॉट ऑफ स्मोक इज देयर, लॉट ऑफ नॉइज दैट इज देयर, लॉट ऑफ गन फायर हो रहा है और बहुत ही केओस चल रहा है, भयंकर कंफ्यूजन चल रहा है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि दोस्त कौन है, एनिमी कौन है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि लॉयल कौन है, डिसलॉयल कौन है, विच रिलेशनशिप विल वर्क, विच विल नॉट वर्क। ये समझ में नहीं आ रहा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। शुड आई कंटिन्यू टू टेक रिस्क एज एन एंटरप्रेन्योर और शुड आई नॉट टेक रिस्क। ब्रेन को रिप्लेस करने का ट्रेंड शुरू हो चुका है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, एंड देयरफॉर दोज हु नो हाउ टू यूज क्वांटम कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर गोइंग टू बी रिचर। अकॉर्डिंग टू मी द नेक्स्ट डेवलपमेंट इट शुड बी द हार्ट। पूरा गेम दिल से ही खेलना पड़ेगा। द हार्ट इज द ओनली थिंग दैट विल बी एबल टू इंटीग्रेट, फील एंड शेयर। ये दिल का गेम विल बी नीडेड मोर देन एवर बिफोर, बिकॉज द रेट ऑफ चेंज आदमी हैंडल नहीं कर पा रहा, दिल टूट रहा है। ये जो कंफ्यूजन है, जो घबराहट है, ये मेंटल डिसऑर्डर्स जो यंग लोगों में और एडल्ट्स में आज जो आप देख रहे हैं, वो ये है कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे। हम इंसानों को ऐसा बनाया ही नहीं गया था। Everybody is demanding from everybody more, but there is no दिल का रिश्ता, there is no connect, there is only transaction. ये जो एक अलग ही दुनिया है जिसके लिए हम तैयार कभी थे ही नहीं। It is extremely difficult to live life in today's complex world. So we need to not just think, but also feel. And this is the reason why women will rise in the days to come. Because women के अंदर integrate करने का quality factory fitted है। आज हमारा एक दायरा बन गया है, हमारी एक सोच बन गई है, उस सोच के अंदर ही काम कर रहे हैं। लेकिन इनसाइड अस एक महान इंसान छुपा हुआ है, उसे बाहर निकालना है। वो हमें मदद करेगा इस केओटिक दुनिया में राइज करने के लिए। अपना अपना चार्जिंग स्टेशन ढूंढो, कभी मंदिर हो सकता है, कभी मस्जिद हो सकता है, कभी इंसान हो सकता है, उसके पास जाओ बैठो। लेकिन तुम्हें दूसरों को लाइट देते रहना है, दूसरों का डार्कनेस को लेना है। ये रोल है, ये नया दुनिया है, इसको RRR मल्टीप्लायर बोलते हैं। जो राइज करता है री इंजीनियर करता है, और जो रोर करता है इसको RRR मल्टीप्लायर बोलते हैं। रोज उगना है, सुबह 5 बजे उगने का ही है, कभी कभी नहीं, तो कोई भी दिन इसको मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सन है, हम RRR है। आई एम अ मल्टीप्लायर, आई कांट लिव दैट लाइफ, माई लाइफ इज डेडिकेटेड टू अ कॉज एंड द कॉज इज बिगर देन मी। तो सोल से काम करो, बॉडी से नहीं। बॉडी में कंस्ट्रेन है, सोल में नहीं है। And therefore, transformation का टूल बॉडी नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का टूल सोल है। Yeah, I am gonna rise, re-engineer and roll. I am an RRR multiplier. नायर साहब एक जोश के पावर प्लांट है। Nice. रियल में RRR जो था नाटू नाटू कर दिया। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू नायर साहब। जस्ट हमारा सर्विसिंग होके निकला है हम लोग अभी। नायर साहब सब लोगों के आई ओपनर है। मैं सर तो स्टार है, आउट ऑफ बॉक्स एंड माइंड ब्लोइंग, सच एन एक्सट्रीम एक्सपीरियंस। हर टाइम हम आने वाले। इंडिया रिक्वायर्स थाउजेंड्स ऑफ संतोष नायर साहब। इफ इंडिया हैज टू बिकम अ $10 trillion प्लस इकोनॉमी बाय 2030। आज जो हो रहा है सर ने 10 साल पहले बताया था, अभी 10 साल के बाद जो होने वाला है सर आज बता रहे हैं। इज अ ट्रूली विजनरी पर्सन। लाइफ में चेंजेस बहुत आते हैं उनको सुनने के बाद। शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। नायर साहब एक ऐसे सन ऑफ सुल्तान हम कह सकते हैं, कभी वो ठकने वाले और रुकने वाले में इंसान में से नहीं है। सैल्यूट नायर सर। आई वांट टू से दैट दिस विल माय लास्ट विश दैट आई विल कम अगेन एंड अगेन दिस प्रोग्राम। एक नई ऊर्जा हमें मिली है। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि संतोष नायर सर को मैंने लाइव देखा। अमेजिंग एज यूजुअल, माइंड ब्लोइंग। नायर साहब एज अ टाइगर एंड अ फायर ब्रांड, ही ऑलवेज इंस्पायर्स द पीपल। बहुत ही खुश हो गए मैं, हमारा दिमाग का बत्ती भी खुल गया है। मते मते बढ़ता है। थैंक यू, सुपर आई। हम तो लाइफ लॉन्ग ग्रेटफुल है स्मार्ट और स्मार्टियन जितने सारे लोग हैं।